हेलो एवरीवन, यहाँ पर ये सुबह का टाइम है तो यहाँ पर बच्चा जा रहा था कॉलेज, तो उसको आज ले जाने थे हनी चिली पोटैटो। तो यहाँ पर मैं वही जो है तैयार कर रही हूँ। ये जो है मैं मॉल से लेके आई थी और इसमें जो 3 का पैक था, रेड चिली और सोया सॉस और ग्रीन चिली। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आलू कट करके यहाँ पर देखिए फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं, और एक बैच में फ्राई कर चुकी हूँ, वो मैंने आपको शुरू में दिखाया है। तो इस तरीके से कर लेंगे। और उसमें क्या हुआ, मैं सुबह सुबह का टाइम था तो मैं यहाँ पर बना कॉर्न स्टार्च जो होता है ना वो डालना ही भूल गई थी। तो चलिए जी, वो मैंने पैक करके दे दिया था बेटे को और वो बेटा जो है कॉलेज चला गया था। तो सुबह सुबह ही आ गया था नव्या का पार्सल, तो यहाँ पर मैं उसी को ओपन कर रही हूँ। तो नव्या को इस टाइम पहननी है बर्थडे पे बटरफ्लाई वाली जो फ्रॉक होती है वो पहननी है, लेकिन ये फ्रॉक जो है नव्या के टाइट आई थी तो ये अभी मैंने रिटर्न करी है, तो सॉरी एक्सचेंज करी है, तो अब दूसरी आएगी, साइज का इशू था। तो यहाँ पर मैं उसी पार्सल को मैं खोल रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये सारा कुछ आएगा। इसमें पंख जो है लगाने वाले हैं वो आएंगे और एक हेयर बैंड भी आता है। बहुत अच्छी क्वालिटी तो देखो नहीं है, मीशो पे बहुत अच्छी क्वालिटी तो बहुत कम मिलती है, लेकिन उसको चाहिए थी तो मैंने सोचा चलो मंगा देते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए ये है पंख और इस तरीके से ये ड्रेस है, और देखिए ये नेट की भी है तो चुभने वाली भी है, लेकिन आप देखते हैं वो पहनती है कि नहीं, लेकिन उसको बर्थडे में पहनना था तो मैंने मंगा दिया है। चलिए जी, अब मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट रात में, और मैंने बीच का कुछ सूट नहीं किया था। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए अंजीर अखरोट और बादाम भिगो दिए हैं, क्योंकि इस टाइम बहुत गर्मी है तो बीच बीच में ये भी जो है लेना ज़रूरी है, तो आप भिगो करके ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये भिगा दिए हैं। चिया सीड्स मैं डेली लेती हूँ तो ये भी मैंने भिगो दिए हैं, और यहाँ पर मैंने मेथी भिगोई है। मेथी आपके बालों के लिए बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही मतलब अच्छी रहती है, बालों में शाइन देती है, सॉफ्टनेस लाती है, बहुत ही अच्छी होती है। तो यहाँ पर मैंने चिया सीड्स भी भिगो दिए हैं, और मैं थोड़े ना ज़्यादा ही भिगो देती हूँ जो कि मेरे हफ्ता भर चल जाते हैं, क्योंकि चिया सीड्स हैं ना तो सोख करके ही यूज करने चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, जो स्मूथी बनाती हूँ उसमें भी ले लेती हूँ और ओट्स में भी ले लेती हूँ। अभी मैं काफ़ी दिनों से जो है नहीं सूट कर रही थी कोई भी ब्लॉक में, क्योंकि ना मेरे थोड़ी प्रॉब्लम भी हुई रखी थी और मैं कहीं गई भी थी बाहर, वो जल्द ही ब्लॉक आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए अब मैं सीधे मिल रही हूँ आपसे सुबह। तो यहाँ पर मैंने चिया सीड्स वगैरह सारा कुछ ओपन किया, क्योंकि सारा भीग चुके थे और उसको मैंने फ्रिज में स्टोर कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, ये देखिए चिया सीड्स का मैं सबसे पहले उठते ही गुनगुना पानी लेती हूँ। अगर आपको सूट करता है तो इसमें आप नींबू मिला लीजिए। और उसके बाद मैंने ये लिया है 5 बादाम हैं, अखरोट है और अंजीर है, ठीक है। इसमें से जो भी आपको सूट नहीं करता है वो आप मत लीजिए। तो यहाँ पर ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर आप छिलका उतार के खाना चाहें तो खा सकते हैं, और अगर बग़ैर छिलका के खाएं, छिलका उतार कर या छिलका समेत आप खाना चाहें तो खा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये भीगे हुए ले लिए हैं, तो उसके बाद जो है चाय वगैरह पी ली थी। ये देखिए तो इस तरीके का ये ले लेंगे, और ये माइंड आइंड के लिए सभी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और उसके बाद क्या है, बालों में मेहंदी भी लगानी थी तो मैंने यहाँ पर मेथी लगानी थी तो मैंने यहाँ पर पीस के लगा ली है। कैसे लगाना है वो मेरे वीडियो में आप चेकआउट करिएगा, मेरे चैनल पर वीडियो आपको मिल जाएगी। तो उसके बाद मुझे जाना था बाहर, मैं कहीं गई थी, ये ब्लॉग आपको जल्द मिलेगा। ओके, बाय बाय।